हमने अपने लास्ट वीडियो में किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देखा और आज उस लॉ पे बेस्ड हम एक डिवाइस बनाएंगे, वो हमारा आज का टॉपिक होगा और उस डिवाइस का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज करेगा क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होगा किसी रजिस्टर के अननोन रजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करना, उस कंडीशन बताएंगे और ये इसमें हमको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यूज आने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि इसका यूज है कि किसी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को बताना। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सेम या डिफरेंट ऑर्डर के रजिस्टर का एक अरेंजमेंट होगा, सेम और डिफरेंट ऑर्डर के रजिस्टर का अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर है, ये ये दूसरा रजिस्टर, ये ऐसा लगा हुआ है, ये तीसरा और ये चौथा, ये और इसके पॉइंट का नाम देते हैं, एक ये सर्किट लगा हुआ है, ये दूसरा, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास चार रजिस्टर हैं, उसको हमने पैरेललोग्राम की तरह अरेंज किया हुआ है। माना कि इसके रजिस्टेंस की वैल्यू है आर वन, इसके रजिस्टेंस की वैल्यू है आर टू, दिस इज आर थ्री एंड दिस इज आर फोर, ये सभी रजिस्टेंस की वैल्यू है और ये दो पॉइंट ए और सी, हमें क्या करना है इसके अक्रॉस, ये दो पॉइंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक सेल लगाकर, एक को हमने एक पॉइंट को ए से अटैच किया, यहाँ पर हमने एक लगाया सेल, आप यहाँ पर एक ई लगा सकते हैं और दूसरे को आपको सी से अटैच कर देना, ये सी के साथ, ये सी के साथ में एक पॉइंट को हमने ए से अटैच किया, दूसरे को सी से अटैच किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना भी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल भी है और इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल है जीरो, तभी जाकर के इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भी माइनस जीरो यानी कि भी होगा, जो हमने सेल लगाया और ये हमारा की है के, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बी और डी के साथ में हमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच करना है, गैल्वेनोमीटर, उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस हमने इसका नाम रेजिस्टेंस होगा और ये गैल्वेनोमीटर है जी। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है जरा समझिए, तो गैल्वेनोमीटर हमें करंट का प्रेजेंस बताता है, करंट है या नहीं है, कैसे बताता है, डिफ्लेक्शन करके बताता है गैल्वेनोमीटर। तो यार आपको यहाँ पर ये रखना है कि जिस दो टर्मिनल पर, जिस दो पॉइंट पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उस पर हमें ये गैल्वेनोमीटर अटैच नहीं करना है, बल्कि बाकी जो दो पोर्शन इस पैरेललोग्राम का वहां पर हमें गैल्वेनोमीटर को अटैच करना है, एक इस पॉइंट से और दूसरा इस पॉइंट से। तो ये हमारा इसका ग्राफ है व्हीटस्टोन ब्रिज का। मैंने आपको बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या करता है, अननोन रजिस्टर के वैल्यू को फाइंड करता है। तो ये ब्रिज जो नाम आता है, ब्रिज का क्या मतलब होता है, हमने ब्रिज पढ़ रखा है जैसे कहीं से नहर से पानी बह रही है और उसके ऊपर जाने के लिए क्या बना दिया जाता है, ब्रिज। इसका मतलब जहां से पानी पार ना हो वहां से हम आराम से जा सकते हैं, वो ब्रिज का काम करता है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर सेल ने करंट फ्लो कराया, मानते यहाँ पर करंट जा रहा है आई, इसको जरा गौर समझिएगा करंट का क्या कंडीशन, ये करंट आई यहां से चलते चलते ए पर पहुंचा। अब इस करंट आई को जाने का दो रास्ता है, एक आर वन से होते हुए, दूसरा आर थ्री से होते हुए। तो यहां से कुछ करंट चला जाता है, मान लीजिए आई में से यहां करंट चला गया आई वन, समझिए जरा, आई से ऊपर करंट गया, आर वन से होते हुए करंट क्या गया आई वन, तो इस डायरेक्शन में करंट कितना जाएगा, तो इस टोटल करंट यहां आई था, इस आई का एक पार्ट आई वन ऊपर चला गया है, जाहिर सी बात है नीचे हमारा करंट क्या जाएगा I माइनस आई वन, ये समझिए, ये ऊपर गया I1 और नीचे गया I माइनस आई, ओके। अब ये I1 चलते चलते यहां जब B के पास आता है तो इसको जाने का दो रास्ता, एक ये R2 से होते हुए और दूसरा यहां से गैल्वेनोमीटर से होते हुए। तो यहां से I1 B तक पहुंचा और हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट हमारा चला गया I, इसका नाम मान लीजिए G, IG, जो गैल्वेनोमीटर से होते करंट जाएगा उसका क्या नाम रखेंगे, IG। अब यहां पर इस डायरेक्शन में R2 से होते हुए कितना करंट जाएगा, तो देखिए I1 यहां तक पहुंचा था, इसमें से IG इस डायरेक्शन में चला गया, यानी I1 में IG कम हो गया और जो बचा वो इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो यहां से करंट क्या जाएगा I1 माइनस IG इस डायरेक्शन से R2 होते हुए। अब ये करंट जो हमारा IG है ये
डायग्रोमीटर से होते हुए हमारा डी तक आया और इस डायरेक्शन से करंट आई माइनस आई वन वो भी डी तक आया, यहाँ आपके दोनों का दोनों करंट ऐड हो गया, कौन कौन सा, दिस आई माइनस आई वन और ये आई डी दोनों ऐड होकर के वो सारा करंट इस डायरेक्शन में चला गया। तो इस डायरेक्शन में आर फोर से कितना करंट चला जाएगा, इन दोनों का सम दैट इज आई माइनस आई वन प्लस आई जी, इस डायरेक्शन से ये करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन से I1 माइनस IG करंट आ रहा है और यहां पर आकर के C पर आकर के ये दोनों का दोनों सम हो जाएगा। तो जरा इसमें दोनों का सम कर दीजिए, I1 माइनस IG में ऐड कीजिए, क्या ऐड करना है, I माइनस I1 और ये प्लस IG, तो माइनस IG प्लस IG कैंसिल, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, बचता है क्या सिर्फ करंट I और वो करंट हमारा इस डायरेक्शन से होके जाता है। और हमने पहले ही बताया था ये पूरा एक ब्रांच है, ये पूरा कंप्लीट एक ब्रांच है और हमारा ये करंट का डायरेक्शन सही तब माना जाएगा जब हम ये दिखला पाएंगे कि पूरे के पूरे ब्रांच पे करंट के वैल्यू सेम है। तो अगर हम यहाँ बात करें यहाँ से करंट आई जा रहा है तो इस पूरे ब्रांच पे करंट का वैल्यू आई होना चाहिए जो हमें अपने कैलकुलेशन से दिखता है। इसको जरा फिर से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से करंट चला I और ये I चल करके A तक पहुंचा, जब ये I करंट यहाँ A तक पहुंचता है तो इसे जाने के दो रास्ते हैं, एक R1 होते हुए दूसरा R3 होते हुए। तो हमने मान लिया कि I का एक पार्ट I1 इस R1 से होते हुए जाएगा तो बाकी बचा हिस्सा, बाकी बचा कितना I माइनस I1, ये R3 से होते हुए नीचे की ओर आएगा। अब देखिए ये I1 जब B के पास पहुंचता है तो इसके पास एक रास्ता है कैल्कोमीटर होते हुए, दूसरा रास्ता है R2 होते हुए। तो इस I1 में ही करंट IG गैल्वेनोमीटर से उनके पास किया और दूसरा करंट जो बचा हुआ करंट है I1 माइनस IG ये R2 से होते हुए चला। ये IG इस रास्ते से होते हुए D तक पहुंचा, ये I माइनस I1 इस रास्ते से D तक पहुंचा और यहां पर दोनों ऐड होकर के R4 की तरफ चलने लगे। अब ये I माइनस I1 प्लस IG R4 से होते हुए इस C तक पहुंचा और I1 माइनस IG R2 से तो C तक पहुंचा, यहां पर आकर के दोनों का सम किया और I करंट ये हमारे पूरे पूरे ब्रांच में मैच कर गया। ये हमने कंडीशन देखा करंट के फ्लो करने का, जहां पर ये करंट जो I, I1, IG यही सब जो करंट है ये हमने मान रखा है, इनके वैल्यूज को हमने मान रखा है। अब यहां पर मुद्दा ये है कि अगर हमने बताया कि ये V और यहां पर पोटेंशियल है जीरो, यहां पर पोटेंशियल क्या है जीरो, तो ये कैसे हुआ होगा, टेंशन है ये कम होते 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 जीरो पहुंचा होगा। सपोज V की वैल्यू है सपोज 100 और यहाँ की वैल्यू है जीरो, तो इसका मतलब अगर हम इस रास्ते से जाएं तो ये 100 फिर आगे बढ़ते हुए हमारा जो पोटेंशियल है वो कम होता चला गया होगा, यहाँ पहुंचते हुए 90, 70, 60, मान लीजिए बी पर 60 है, 40, 30, 20, 10, 0, ये पोटेंशियल ऐसा कम होते होते यहाँ तक पहुंचा, हमने मान लिया बी का पोटेंशियल है 60। अगर ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तभी ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर ये करंट इस डायरेक्शन से डी से होते हुए बी तक जाएगा इसका क्या मतलब होगा कि डी का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम, जो कि करंट का नेचर होता है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हम जानते हैं। और अगर करंट फ्लो ही ना करे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं ब्रिज, ब्रिज मतलब जिससे पानी पास ना करे, यदि किसी नहर के ऊपर ब्रिज बना है तो हम यहाँ करंट की बात कर रहे हैं, ब्रिज हम ये बना रहे हैं दिस ब्रिज, इसका मतलब क्या है वहां से करंट फ्लो ना करे, वहां कुछ फ्लो ना करे, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस बी और डी का पोटेंशियल मैच करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 100, 80, 70, 60 इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होते होते 60, फिर हम इस पॉइंट पर ऐसा टच करते हैं, ऊपर टच करते हैं, हम देखते हैं करंट फ्लो करता है, फिर यहाँ पर टच करते हैं हम देखते हैं उल्टा करंट फ्लो करता है, अब हम जब डी पर टच करते हैं हम देखते हैं करंट जो आईजी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये दो केस दिखता है, पहले केस में तो इस ब्रिज में करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे केस में ब्रिज में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो करंट फ्लो कब नहीं करेगा, ऐसा करंट फ्लो तब नहीं करेगा जब बी और डी का जो पोटेंशियल है वो मैच करेगा, इसीलिए हम इस पॉइंट को हर जगह टच करते करते वैसे पॉइंट को ढूंढते हैं जहां पर बी और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैच कर जाए, तभी इस करंट का वैल्यू जीरो होगा, तभी इस ब्रिज का कोई मतलब बनेगा। तो अगर करंट फ्लो करता, अच्छा ये मान लीजिए 60 पोटेंशियल है, यहां पर भी ये 100 से होते हुए जीरो तक गया हुआ है, तो ये हो सकता है 100, 90, 80, 70 और ये भी क्या होगा
60, इसका भी 60, इसका भी 60, हमने इन दोनों जगह इस वायर को बांध दिया। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मैच कर रहा है, उसका पोटेंशियल मैच करता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के ब्रिज बनेंगे, दो तरह के ब्रिज। एक में ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए करंट, जिसका नाम हमने आईजी रखा है, वो फ्लो करेगा, और दूसरे में ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जिसमें ये करंट फ्लो करेगा उस ब्रिज को बोलेंगे अनबैलेंस्ड, यानी हमने उसको बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस तब मानेंगे जब उस ब्रिज में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर आईजी की वैल्यू जीरो नहीं होती है, आईजी का कोई वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन होता है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये अनबैलेंस्ड वीक स्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड यानी बैलेंस नहीं हुआ, करंट फ्लो करता है। और अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाया, दोनों का पोटेंशियल मैच हो गया, इसलिए मैंने बताया कि आपको ये सेल को इन दो किनारे से लगाना है और गैल्वेनोमीटर को बाकी बचे दो किनारे से लगाना है। अगर यहाँ जो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। तो वीट स्टोन ब्रिज दो टाइप के होंगे, एक होगा अनबैलेंस्ड और दूसरा होगा बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में आईजी की वैल्यू ये जीरो नहीं होगी, इसका कोई वैल्यू होगा, और बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज में ये आईजी का वैल्यू जीरो होगा। तो हमें जिस पर एक इक्वेशन लाना है जिससे कि हम चाहते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सके, वो हमें कौन बताएगा? बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो अब समझते हैं हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा पूरा वीट स्टोन ब्रिज का ग्राफ हो गया, वेरी सिंपल। बस आपको ये करंट का डायरेक्शन, करंट का कैलकुलेशन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी लूप में ले लीजिए, मान लीजिए आपने ऐसा एक लूप लिया ए बी। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कौन सा लॉ? किरचॉफ के सेकंड लॉ को यूज करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ का हमने यूज कर लिया। अब हम इस लूप में लेते हैं इन लूप, एक लूप लिया ए बी डी ए बी डी ए। ओके, ये हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन है, ये ए बी डी ए। तो जैसे आपको सेकंड लॉ बताया था, टोटल सम पोटेंशियल सम क्या हो जाता है? जीरो। तो यहाँ चलिए स्टार्ट कीजिए। तो ये हमारा डायरेक्शन है हमारे कैलकुलेशन का, ये हमारे करंट का भी डायरेक्शन है। अगर आप इसको और बेहतर समझना चाहते हैं तो जो मेरा पिछला वीडियो था उसको आप जाके देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कंडीशन की कब हम प्लस साइन लेते हैं, कब हम माइनस साइन लेते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। तो ये करंट इधर से चला और हमारा करंट, हमारा कैलकुलेशन डायरेक्शन भी है ए बी डी ए, ए बी डी ए। तो इसमें ए से बी की ओर जाते हुए हमारा करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन का डायरेक्शन मैच करता है, तो हमारा यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? आई वन आर वन, पॉजिटिव, क्योंकि मैच किया। अब इस डायरेक्शन से आइए, यहाँ पर हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है? जी। और हमारा करंट क्या है? IG। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस IG, और यहाँ साथ में मल्टीप्लाई कीजिए रेजिस्टेंस जी, यहाँ से करंट जा रहा IG और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है जी। और यहाँ से चल करके जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं कि हमारा लूप है A B D A, इस डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन डायरेक्शन मैच नहीं करता है। तो जब मैच नहीं करता तो हम साइन क्या लगाते हैं? नेगेटिव। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट को रेजिस्टेंस, क्या हो जाता है? I माइनस आई वन, रेजिस्टेंस क्या है? R थ्री, ये R थ्री। और इस टोटल का सम क्या हो जाता है? जीरो। हमने आपको बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का क्या केस बताया? बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज के लिए किसकी वैल्यू जीरो होनी होगी? IG की वैल्यू जीरो फॉर बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। तो हमने क्या पुट करना है यहाँ पर? पुट IG इक्वल्स टू जीरो। तो इस पूरे इक्वेशन में मात्र एक जगह IG है, जैसे हमने इसे जीरो पुट किया, ये पूरा का पूरा सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा? I1 R1 माइनस I माइनस I1 R3 इक्वल्स टू जीरो, जिसको आप कैसा लिख सकते हैं? I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इनटू R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैंने उसको LHS से RHS में भेज दिया। ओके, अगेन अब हम लोग दूसरे लूप को लेंगे। दूसरा लूप आप कोई भी लूप ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मान लीजिए हमने एक ऐसा लूप ले लिया, सब कुछ इस तरह से ये लूप ले लिया बी सी डी बी, आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया इन लूप, क्या बोला? बी सी डी बी, ये लूप लिया गया बी सी डी बी।
ओके अब यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले बी से सी की ओर चलिए, तो यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन कैलकुलेशन डायरेक्शन मैच किया तो क्या हो जाएगा I1 माइनस IG और हमारा रेजिस्टेंस क्या है R, ये मैच किया। फिर जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मैच नहीं करता है, तो नहीं करता तो हमारा साइन क्या हो जाता है माइनस, और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा I माइनस आई वन प्लस आई जी, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R4 R4। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे वही ये हमारा कैलकुलेशन डायरेक्शन और ये हमारा करंट डायरेक्शन, फिर हमारा ये साइन माइनस हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं तो माइनस हो जाता है हमारा साइन और मल्टीप्लाई क्या होता है IG जी इक्वल्स टू 0। मैंने इसको लिखने जगह यहां लिखा ताकि वो लाइन से दिख जाए। ओके फिर से वो कंडीशन यूज करेंगे फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज द वैल्यू ऑफ IG इज 0, तो यहां जहां हमारा IG है कहां-कहां IG है, ये रहा IG 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, इन तीनों को हमें क्या पुट करना होगा 0, बैलेंस व्हीट स्टोन का कंडीशन ही वही है कि IG की वैल्यू 0, लिखेंगे यहां पर पुट IG इक्वल्स टू 0, क्या बन जाता है I1 R2, I1 ये 0 हो गया R2, फिर माइनस ये 0 हो जाता है क्या बनता है I माइनस I1, IG 0 R4 और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा is equals to 0, therefore I1 R2 is equals to I minus I1 R4, ये हो गया हमारा equation number 2। तो इस तरह से हमने Kirchhoff के first law से current को decide किया, Kirchhoff के second law से हमने दो equation ले आए, और क्या इसमें case रखा है IG equals to 0, IG equals to 0 कब होता है जब हमारा V2-stroke bridge balanced होता है। अब हम केस लाना चाहते हैं कि इसके लिए केस क्या यहाँ पर बनता है, तो यहाँ हम लोग करते हैं क्या करना है इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, LHS एक तरफ RHS एक तरफ, तो क्या बनता है I1 R1 और यहाँ क्या बन रहा है I1 R2, इधर देखिए उधर क्या बन गया रहा है I माइनस I1 इंटू R3, ये और फिर यहाँ पर ये ले लेंगे I minus I1 into R4. अब बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, I1 कैंसिल एंड दिस I minus I1 कैंसिल और हमें कंडीशन क्या मिल जाता है R1 by R2 is equals to R3 divided by R4 for balanced Wheatstone bridge. और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए रेजिस्टेंस का रेशियो यानी R1 by R2 is equals to R3 by R4, ये देखिए R1 by R2 ये इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होना चाहिए, हाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा R1 by R3 इनका रेशियो और इनका रेशियो मैच करना चाहिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। यहां कंडीशन में क्या बताया IG equals to 0। अब यहां पे बोला जाए कि आपको अगर तीन रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम है, तीन रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है और हमने बोला कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, कैसे बैलेंस बनाना है, एक पॉइंट पर यहाँ वायर को सेट करना है और दूसरा हमें चेक करना है कि कहां पर हम ऐसे पॉइंट को चेक करें जहां पर ये करंट ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना शो करे यानी इसमें करंट फ्लो ना करे, जहां पर इसको टच करने पर ये गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तभी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस माना जाता है, जैसे हमने ये पॉइंट को मान के रखा हुआ। तो इसमें आपको कंडीशन याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए चारों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो मैच करना चाहिए, यानी कि R1 by R2 equals to R3 by R4 या फिर आप बोल सकते हैं R1 by R3 equals to R2 divided by R4। अगर आपको ये बोल देगा कि कोई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 equals ये सेम ग्राफ देते हैं R1 equals to 1, R2 equals to 2, R3 equals to 3 है तो R4 की वैल्यू क्या है, चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या बताया इनका रेशियो और इनका रेशियो मैच करना चाहिए, तो R1 by R2 की वैल्यू क्या है 1 divided by 2, तो यहाँ पर इसको किससे मैच करना चाहिए 3 by आप खुद भी मान लीजिए x, ये हमें R4 की वैल्यू मालूम नहीं है और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू क्या 6,
तो यहाँ पर आर फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, जैसे ही हम 3/6 पुट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा बैलेंस वीक स्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। कभी कभी हमें रेजिस्टेंस के वैल्यू दिया जाता है और बोलता है कि हमने वीक स्टोन ब्रिज को उन्हें अरेंज किया है, आप बताइए बैलेंस्ड है या नहीं है। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप रेजिस्टेंस रेशियो को निकाल के चेक कर लीजिए। और कभी कभी हमें ये बोल देता है कि वो बैलेंस्ड है, तो चौथे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालिए। तो हमारा ये तरीका है, चौथे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दो इक्वेशन लाने में हमारा सेकंड लॉ हमारा मदद किया है और ये डिवाइड किया गया है। और ये इस तरह से हमारा एक कंडीशन बनता है कि बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस का रेशियो है वो रेशियो मैच कर। तो ये एक हमने देखा किरचॉफ्स के सेकंड लॉ का और फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए हमने एक सिस्टम बनाया, और ये सिस्टम का मेन काम क्या रहा, अनडॉन रजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करना। हम लोग और भी कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं हट जाता हूँ, आप इसके स्क्रीन शॉट ले लेंगे और इसका जो नोट्स है वो आपको भेज दिया जाएगा। ओके।